मेरा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा नरसिंहपुर जिले से अलीराजपुर कर दिया गया है। दोनों बच्चे छोटी क्लासेस में अध्ययनरत हैं और मेरे वृद्ध माता पिता भी नरसिंहपुर में निवास करते हैं। मैं इतनी दूरी से अपने बच्चों की एजुकेशन की देखरेख और अपने माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाऊंगा। मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ और मुझे मजबूरन उच्च न्यायालय के समक्ष आना पड़ा है क्योंकि दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। पीठासीन अधिकारी महोदय निर्धारित गणवेश के बिना डाइस पर बैठती थी। मैडम द्वारा मेरी झूठी शिकायत की गई। मेरे पीठासीन अधिकारी महोदय निर्धारित गणवेश के बिना डाइस पर बैठते हैं और सुनवाई किए जाने के दौरान न्यायालयीन समय में मोबाइल पर वार्तालाप करते रहते हैं और इस संबंध में मैंने माननीय महोदय उनके पेन ड्राइव में उनके फोटोग्राफ्स और वीडियो भी पेश किए। मुझे अपने विश्राम कक्ष में बुलाया गया, जेल भेजने की धमकी दी गई और मेरा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करवाए जाने की धमकी दी गई। माननीय महोदय जी, मैं सहायक अभिलेखापाल के पद पर तहसील न्यायालय गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में पदस्थ हूँ और नरसिंहपुर जिले का निवासी हूँ। मेरा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा नरसिंहपुर जिले से अलीराजपुर कर दिया गया है। माननीय नरसिंहपुर में मेरे दोनों बच्चे छोटी क्लासेस में अध्ययनरत हैं और मेरे वृद्ध माता पिता भी नरसिंहपुर में निवास करते हैं। और माननीय, मैं इतनी दूरी से अपने बच्चों की एजुकेशन की देखरेख और अपने माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाऊंगा और वर्तमान में मेरे दोनों बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं भी होने वाली हैं। माननीय महोदय, मेरा माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे द्वारा जो पिटीशन प्रस्तुत की गई है उस स्वीकार करने की कृपा करें और मेरा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर है उसको स्टेक करने की कृपा करें ताकि मैं अपने बच्चों की एजुकेशन की देखरेख तथा अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। और यदि माननीय, यदि ऐसा संभव नहीं है किसी कारणवश, तो मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि नरसिंहपुर अलीराजपुर की जगह नरसिंहपुर जिले के निकटतम किसी अन्य जिले में स्थानांतरण करने की श्रीमान कृपा करें ताकि मैं बच्चों की एजुकेशन की देखरेख और अपने माता पिता की सर सेवा भी कर सकूं। माननीय महोदय, मैं एक छोटा कर्मचारी हूं और मुझे मजबूरन उच्च न्यायालय के समक्ष आना पड़ा है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जब उनका उल्लंघन हुआ तो मुझे माननीय न्यायालय के समक्ष आना पड़ा है। कौन से दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान एनेक्सर P1 पर आकर्षित कराना चाहूंगा, पेज नंबर 10। मेरा स्थानांतरण दिनांक 27/6/23 को प्रथम जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर की न्यायालय से श्रीमान तृतीय जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुचित्रा श्रीवास्तव की न्यायालय में साक्ष्य लेखक के पद पर हुआ था। माननीय श्रीमती सुचित्रा श्रीवास्तव पीठासीन अधिकारी महोदय निर्धारित गणवेश के बिना डाइस पर बैठती थी और जी सर मैं समझा नहीं, आप इस बारे में क्या करना कि जज क्या पहन के पैर रखता है, क्या आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साक्षी लेखक तक की बात कीजिए। जी सर, आप साक्ष्य लेखक है वही तक की बात कीजिए कि वो गणवेश में बैठती थी तो आपका क्या लगे उससे? जी सर, लेकिन ये जो आगे बोलिए क्या कहना है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफर हुआ उसमें कि मैडम द्वारा मेरी झूठी शिकायत की गई जिस पर प्रधान जिला में सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा एनेक्सर P3 पेज नंबर 12 का मुझे नोटिस दिया गया। तब मेरे द्वारा एनेक्सर 4 पेज नंबर 13 का अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि मेरे पीठासीन अधिकारी महोदय निर्धारित गणवेश के बिना डाइस पर बैठते हैं और प्रकरणों की सुनवाई किए जाने के दौरान न्यायालयीन समय में मोबाइल पर वार्तालाप करते रहते हैं और इस संबंध में मैंने माननीय महोदय उनके पेन ड्राइव में उनके फोटोग्राफ्स और वीडियो भी पेश किए। इसके पश्चात श्रीमान यह हुआ कि माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर द्वारा जो एनेक्सर P5 का डॉक्यूमेंट मैंने लगाया है पेज नंबर 17 तत्काल मेरा ट्रांसफर श्रीमान द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड नरसिंहपुर की न्यायालय में कर दिया गया। और इसके पश्चात माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा मुझे दिनांक 15/9/23 को अपने विश्राम कक्ष में बुलाया गया
और विभागीय जांच संस्थित करने की, 354 की रिपोर्ट दर्ज करवाकर जेल भेजने की धमकी दी गई और मेरा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करवाए जाने की धमकी दी गई। और दिनांक 15/9/23 को माननीय एनएक्सर P6 पेज नंबर 18 का नोटिस मुझे विभागीय जांच संस्थित किए जाने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करने बाबत दिया गया। तब मेरे द्वारा माननीय एनएक्सर P7 पेज नंबर 20 का जवाब माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर को प्रेषित किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि संलग्न है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मैंने सर्कुलर उसमें लगाए, जिसमें जो पेज नंबर 25 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश का मैप नंबर 381 दिनांक 25/1/16 है, उसमें किस पेज पे है? ये माननीय 25 नंबर पेज पे श्रीमान, 25 नंबर पेज पे। हाँ, और इसमें माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि जुडिशियल ऑफिसर जब डाइस पर बैठेंगे तो उसकी आप कंधे का नंबर 1 देखेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जुडिशियल ऑफिसर डाइस पर मोबाइल ही कैरी नहीं करेंगे और डाइस पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सेकंड नंबर का कंडिका में बताया गया है कि न्यायाधीश निर्धारित गणवेश में ही डाइस पर बैठेंगे। और इसी के बाद माननीय महोदय पेज नंबर 30 देखें, इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का स्वयं ऑर्डर है, जिसमें कि ऑर्डर डेट है 7/10/17, इसमें भी उनके द्वारा कहा गया है कि जुडिशियल ऑफिसर प्रकरणों की सुनवाई किए जाने के दौरान फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसी तरह हाईकोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर का मेमो नंबर 15/13 जो कि पेज नंबर 31 है, जबलपुर दिनांक 23/2017 है, उसमें भी स्पष्ट दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं जुडिशियल ऑफिसर कहीं भी सोशल साइट, नेटवर्क साइट, फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑन द डाइस प्रकरणों की सुनवाई किए जाने के दौरान। और पेज नंबर माननीय 34 देखने की कृपा करें, ये भी पेज नंबर 32 में हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर का एंडोर्समेंट नंबर 66/12 जबलपुर दिनांक 22/12/22 संलग्न है, जिसके पेज नंबर 34 में मुख्य न्यायाधीश गण के निर्धारित गणवेश बैठने के संबंध में बताया गया है। माननीय महोदय, जब मेरे द्वारा उक्त सभी हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों की प्रतियां सहित अपना स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत किया गया तो माननीय प्रधान जिला में सत्य न्यायाधीश नरसिंहपुर मुझसे नाराज हो गए और उनके द्वारा विभागीय जांच करने की धमकी दी गई और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करवाए जाने की भी धमकी दी गई। और इसी क्रम में 15/9/23 की धमकी के अग्रसरण में उनके द्वारा विभागीय जांच भी संस्थित करा दी गई, जो कि वर्तमान में एक क्रमांक है 1/23। और इसी क्रम में आप देखिए श्रीमान, मेरा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर भी हो गया है। उनके द्वारा माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा जो धमकियां दी गई थी वो पूरी धमकियां पूरी हो गई हैं और 9:30 की उसमें रिकॉर्डिंग है और भी धमकियां दी गई हैं। जब माननीय, और ये जो पेनड्राइव मैंने संलग्न की है ये एनेक्सर P9 है, पेज नंबर 41 पर लगी हुई है। अब हमारा माननीय इसमें निवेदन ये है, जब मैंने मेरे पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय की गरिमा के प्रतिकूल किए जा रहे व्यापार के संबंध में जब माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर को अवगत कराया, तो उनका ये दायित्व बनता था कि जब मैंने उनके फोटोग्राफ्स और वीडियो पेश किए तो वो भी, और जब हाईकोर्ट के सर्कुलर भी लगे थे तब तो उनका ये कर्तव्य था कि वो भी संबंधित पीठासीन अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण लेते, या उनके पावर में नहीं था तो इस संबंध में माननीय हाईकोर्ट को सूचित करते, लेकिन उनके द्वारा अपने अधिकारी का पक्ष लेते हुए सिर्फ मेरे ही विरुद्ध कार्यवाही की गई। तब मेरे द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को एनएक्सर P8 पेज नंबर 36 जो है उसमें मैंने अपने पीठासीन अधिकारी की शिकायत की और जो उनके द्वारा न्यायालय की गरिमा के विपरीत कार्य किया जा रहा था उस संबंध में बताया गया और ये भी बताया गया कि संबंधित प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा संबंधित न्यायाधीश से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, वरन मेरे ही ऊपर कार्यवाही की गई है। और इसी एनेक्सर में पेज नंबर 38 देखने की आप श्रीमान कृपा करें, क्योंकि मैंने माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को इस 22/11/23 के लेटर में
ये अवगत कराया है कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने विश्राम कक्ष में मुझे सर इस प्रकार की जो धमकी दी गई और उनके द्वारा जो अग्रसरण में जो विभागीय जांच संस्थित की गई है और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करवाया गया है, और तो इस संबंध में मैंने उनसे पहले ही निवेदन कर लिया था कि माननीय मुझे प्रोटेक्शन दिलाए सर, क्योंकि मेरी मुझे सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। और उसके पश्चात श्रीमान मैं हाईकोर्ट पहले ही जा चुका था, बहुत पहले ही जा चुका था कि मुझे राहत दी जाए, लेकिन मुझे राहत नहीं मिली। इसके विपरीत मेरा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर 19/12/23 में हुआ, जो कि एनएक्सर P10 का डॉक्यूमेंट पेज नंबर 42 माननीय महोदय के समक्ष संलग्न है। मेरा माननीय महोदय से निवेदन है कि जो पेन ड्राइव संलग्न है उसमें 9.5 मिनट की रिकॉर्डिंग है माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा विभागीय जांच संस्थित करने की, 354 की रिपोर्ट दर्ज कराने की और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कराने की। और उस पेन ड्राइव में आ गए ये भी धमकी दी गई है उनके द्वारा विश्राम कक्ष में कि मैं तुमको देख लूंगा, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा दी गई दोनों धमकियां जब पूरी हो चुकी हैं और 9.5 मिनट की रिकॉर्डिंग में और भी धमकियां हैं, तो वो तो और भी पूरी कर देंगे। इसलिए माननीय महोदय मेरा निवेदन है कि मुझे अलीराजपुर जिला बिल्कुल भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ना किया जाए, क्योंकि वो तो मध्य प्रदेश का दूरस्थ जिला है और काफी दूर है, यहाँ से लगभग 650 किलोमीटर दूर है। जब माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोनों धमकियां पूरी कर सकते हैं, तो फिर जो और अन्य धमकियां दी गई हैं वो तो वाकई में पूरी हो जाएंगी। और माननीय महोदय मैं एक इतना छोटा कर्मचारी हूँ, मैंने सिर्फ माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय जबलपुर के सर्कुलर के बारे में श्रीमान को अवगत कराया, तो मुझे मेरे ऊपर इतनी बड़ी उनके द्वारा कार्रवाई की गई, यहाँ तक कि इंटर डिस्ट्रिक्ट करवा दिया गया। और ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो लगा है उसमें भी लगा है प्रशासकीय उसके कारण हुआ है, क्योंकि बड़े सामने लिखा होगा प्रशासकीय पत्र। तो माननीय महोदय मैंने अपनी नौकरी गांव पर लगा दी इसीलिए कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो सर्कुलर जारी किए गए हैं कि जजेस बिल्कुल निर्धारित कोर्ट का डेकोरम मेंटेन रखें, निर्धारित गणवेश में आए, डाइस पर मोबाइल पर बातें ना करें, उसका ध्यान रक्षण कराने पर सर मुझ पर कार्रवाई कर दी गई। मैंने अपनी माननीय अपनी नौकरी की चिंता नहीं की, मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो सच्चाई का पक्ष है, जो मेरी अंतरात्मा ने कहा है, मैं वो बात रखूं, क्योंकि मैं न्यायालय में वर्क करता हूं। और दूसरी बात श्रीमान, न्यायालय में शपथ दिलाकर कहा जाता है कि आप सच कहिए, और श्रीमान जब मुझे सब सर्कुलर मालूम थे कि ऐसा ऐसा नियम से काम होता है, और जब मेरे द्वारा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अवगत कराया गया, तो उनका ये दायित्व था कि संबंधित पीठासीन अधिकारी से वो स्पष्टीकरण लेते, हाईकोर्ट सूचना भेजते। बीच में तो सर मुझे एक गाइडलाइन मिली नहीं है, बीच में तो ये नियम आया था अभी 2-4 महीने पहले, वो मुझे सर्कुलर मिल नहीं पाया। उसमें तो आया था कि जो न्यायाधीश बिना निर्धारित गणवेश के डाइस पर बैठेंगे उसके संबंध में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जहाँ के ही के भी होंगे वो तुरंत इसकी सूचना रजिस्ट्री को प्रेषित करेंगे ताकि इस संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय महोदय मेरा तो निवेदन ये है कि मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ, मैंने तो अपनी बात आपके सामने रख दी और चाहता हूँ कि श्रीमान इस पर एक जांच की जाए। यदि आपको कहीं थोड़ा बहुत संदेह है तो संदेह है मेरे वक्तव्य पे या मेरे जो डॉक्यूमेंट पे है, तो आप माननीय महोदय पेन ड्राइव सुन सकते हैं, आप जो भी जजमेंट देंगे वो मुझे सिरोधार होगा। बस निवेदन ये है कि श्रीमान अभी जब तक इस पर पूरा जांच नहीं होती है अलीराजपुर जिला मेरा ना किया जाए। मेरे दोनों छोटे बच्चे नरसिंहपुर में अध्ययनरत हैं और मेरे वृद्ध माता पिता की भी देख रेख करना है, तो माननीय मेरा आपसे चरण पकड़ कर निवेदन है कि मुझे इसी स्थान पर रहने दिया जाए। और जब तक के लिए माननीय स्टे दिया जाए श्रीमान जी। सर नमस्ते।